नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि योग प्रार्थना कैसे की जाती है। जिस प्रकार योग की हमारे जीवन में आवश्यकता है, उसी प्रकार प्रार्थना का भी हमारे जीवन में बहुत अधिक आवश्यकता है। दोस्तों, प्रार्थना करने से हमारा मन शांत तो होता है और इसे करने से हम क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में निराशा के क्षण आते हैं और हमें अपना जीवन अंधकारमय लगने लगता है। ऐसे समय में सच्चे मन से की गई प्रार्थना मनुष्य के लिए वरदान साबित होती है। दोस्तों, जब भी आप हताश, निराश या विचलित हो तो आप ईश्वर के समक्ष किसी भी समय आप प्रार्थना को कर सकते हैं। प्रार्थना में विश्वास अति आवश्यक है, क्योंकि विश्वास से ही मनुष्य यह जान सकता है कि ब्रह्मांड में उससे भी शक्तिशाली कोई अन्य है, जिसके समक्ष वह अपने दुख दर्द को व्यक्त कर अपनी कमियों को लड़ने की शक्ति मांगता है। दोस्तों, प्रार्थना को करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। आप एकांत स्थान में, प्रकृति के समक्ष या मंदिर के सामने, कहीं भी आप योग प्रार्थना को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे करने के लिए आप पद्मासन या सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर बैठकर कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, जो आपको कंफर्टेबल लगे उस मुद्रा में लगाकर आप अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लीजिए और अपनी आँखों को सहजता से बंद करते हुए अपना पूरा ध्यान अपने ईष्ट पर केंद्रित कीजिए। आप इसमें अब ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शब्द अ उ म तीन शब्दों से मिलकर बना है। इसे आप ऐसे कीजिए। इसके बाद आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपना संपूर्ण ध्यान अपने भवों के मध्य आज्ञा चक्र पर लगाइए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके बाद आप अपने दोनों आँखों को बंद करते हुए 10 मिनट इसी स्थिति में रहिए। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों के आवागमन पर ही रखिए। फिर दोनों हाथों को रबिंग कीजिए जब तक कि आपकी हथेलियां गर्म न हो जाएं, और अपने दोनों आँखों के ऊपर रख लीजिए और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोल लीजिए। दोस्तों, इस योग प्रार्थना को आप रेगुलर सुबह के टाइम या शाम के टाइम प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमें अनेकों फिजिकल मेंटल बेनिफिट तो मिलते ही हैं, इसके अलावा हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी और माइंड दोनों ही काम और कूलिंग स्टेज में आ जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।